मैं राकेश कंसवाल मूल निवासी पीर गढ़वाल ग्राम गोजाना का रहने वाला हूँ, जो विगत इस क्षेत्र में 10 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमारा प्रसिद्ध संस्कृत महाविद्यालय है, जिसमें मैं तकरीबन 2010 से टीचिंग करता हूँ, और मेरे साथ में मेरा भ्राता श्री राधा कृष्ण सेमवाल, जो मेरे छोटे भ्राता भी हैं, और दूसरे हिसाब से मानो तो मेरे एक दोस्त भी है, एक मित्र भी है, इस तरह हम बचपन से साथ रहे, और मेरा ममेरा भाई भी है, तो जो कि हमारे साथ में घूमने आ रखे हैं। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, ये हमारा जो मुख्यालय रुद्रप्रयाग है, ये वहाँ से चलकर तकरीबन 55 किलोमीटर की दूराई पे हम स्थित हैं, जो केदारनाथ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, केदारनाथ विधानसभा के नाम से जाना जाता है। और ये जो हाईवे है, ये NH 109 के अंतर्गत आता है, और इसमें जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, ये चौखम्मा पर्वत है, जो पूरा हिमालय से आच्छादित है, और आप सामने पे जो हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो सबसे हाइट पे जो ताल है, वो देवरी ताल है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 12,000 मीटर के आसपास है। और ये हमारे जो सामने हैं, आप यहाँ पे भगवान भोलेनाथ व तुंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका जो डोली है इस समय जो शीतकाल में यहाँ पे आती है, ये नीचे हमारा ये मखमट में है इस समय वहाँ विराजमान है, और तुंगनाथ वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो तुंगनाथ है। और यहाँ से तकरीबन 33 किलोमीटर मोटर मार्ग, और जो कि 14 किलोमीटर पैदल मार्ग हमारे भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, जो एकादश ज्योतिर्लिंग जो हमारे भगवान भोलेनाथ केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी दूराई पैदल मार्ग में अब जून जो आपदा आई थी 2013 में, तो तब से इसकी जो दूराई है जो पैदल की जो दूरी है वो 18 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पे भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ की जो आजीविका है वो लोगों की वो भोलेनाथ पे डिपेंड करती है, जिसमें लोग 6 महीना वहाँ भोलेनाथ के प्रसिद्ध पवित्र स्थल में रहते हैं और अपनी आजीविका अपने भरण पोषण करते हैं, और 6 महीने वो अपने यजमानों के साथ में दिल्ली बम्बई और मुंबई की इधर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो ये गांव जो दिखाई दे रहा है आपका सामने है, यहाँ ये लमगोंडी क्षेत्र है, लमगोंडी पट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको अगर पूरे रूप में देखा जाए तो ये नागपुर पट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो सामने वो इंटर कॉलेज है, और भगवान बाणेश्वर का पवित्र मंदिर है, यहाँ के जो इतिहास पाया गया है, यहाँ पे बाणेश्वर की जो लड़की उषा और भगवान कृष्ण का लड़का अनिरुद्ध का प्रेम विवाह हो गया था, इस प्रकार इसी विषय में बाणेश्वर और कृष्ण का यहाँ पे जो है तो हुआ युद्ध हुआ, और तब से यहाँ पे जो आपने जो सुना होगा सोनितपुर, जो नाम सुना होगा आपने, जो विश्व प्रसिद्ध है, तो ये सोनितपुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनका रक्त हुआ था, खून खराब हुआ था, तब से यहाँ सोनितपुर के नाम से यहाँ पे पड़ा था, तो ये भी हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है, तो इस क्षेत्र में अब इसे लमगोंडी के नाम से जाना जाता है। और इधर सामने अगर देखा जाए तो ये भगवान कार्तिक का मंदिर है, किंवदंतियों का मानना है कि जब भी हमारी घर में जैसे भैंस ब्याती है तो सबसे पहले भगवान कार्तिक स्वामी को दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए भगवान कार्तिक स्वामी भी बहुत प्रसिद्ध है। और इसी क्षेत्र में यहाँ से तकरीबन हमारा लगभग 22 या 24 किलोमीटर के आसपास इस क्षेत्र में सिद्धपीठ महाकाली काली का मंदिर है, और वो सामने जो दिख रहा है हमारा, वो भगवान इस समय शीतकालीन में भगवान की गोली विराजमान है, ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये ब्लॉक ऊखीमठ ब्लॉक में आता है। और दूसरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ हमारे जो सामने जो हिमालय दिख रहा है, इसके ठीक इधर भगवान केदारनाथ का पवित्र मंदिर है, और इधर इस क्षेत्र में हमारा जो है तो यहाँ पर भगवान त्रिजुगी नारायण का पवित्र मंदिर है, जहाँ पे जो हमारे इतिहास में सुना गया लिखा गया है, जिसमें कि भगवान वो शिव और पार्वती की शादी हुई थी। और ये जो पवित्र मंदिर है, पवित्र विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है, वो त्रिजुग नारायण है, जिसकी दूरी तकरीबन यहाँ से लगभग 28-30 किलोमीटर के आसपास है, जो हमारे गौरीकुंड से 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग से होकर बाईपास पे कटता है, और सोनप्रयाग से उसकी दूरी लगभग 5 या 7 10 12 किलोमीटर के आसपास है। इस प्रकार
ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड है, ये बहुत पवित्र भूमि है, बहुत प्रसिद्ध, यहाँ विभिन्न प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। मानव साक्षात हिमालय यहाँ पे भगवान शिव की तरह स्वरूप खड़े हैं। और इस प्रकार से जो मैं आपको इस सब चीज़ में आपको यहाँ पे जो यहाँ का जो इतिहास, यहाँ का जो भौगोलिक इतिहास जो बता रहा हूँ, ये मेरे भाई जो राधाकृष्ण फेमाल जी है, इनके विशेष अनुरोध पे इनको यहाँ के विषय में अवगत करा रहा हूँ, जो कि मेरे सामने से लगभग 8-10 दिन से यहाँ घूमने आए हुए हैं। और इस प्रकार मैं अपने भाई साहब को संक्षिप्त जानकारी यहाँ के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। और जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इस क्षेत्र भगवान बाणेश्वर की नगरी से जाना जाता है। इस प्रकार ये जो है उत्तराखंड के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा केदारखंड है। और केदारखंड की जो पवित्र, जो प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं, सभी देवी देवता यहाँ निवास करते हैं, जो हमारा धरती का स्वर्ग माना जाता है। धन्यवाद कंसवाल जी, बड़े भाई होने के नाते आपने मुझे यहाँ की जो भी भौगोलिक स्थिति है यहाँ के बारे में मुझे अवगत कराया। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। आपने इस क्षेत्र में मुझे यहाँ की जितनी भी संपूर्ण यहाँ का जो भौगोलिक स्थित है, जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ के बारे में आपने मुझे अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अवगत कराया आपने कि ये सामने चौखंबा है, केदारनाथ भगवान इनके सन्निकट हैं, सामने जो है तुंगनाथ जी का मंदिर है, और ये रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत गुप्तकाशी नामक क्षेत्र में, ये सामने सोनितपुर नामक ग्राम, लमगुनी नाम के ग्राम नाम के नाम से जाना जाता है। सामने भाई साहब ने बताया मुझे कि सामने इंटर कॉलेज है, और इंटर कॉलेज के ही सामने जो है जहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब श्री राकेश प्रसाद कंसवाल जी अध्यापक पद पर सेवारत हैं, और वहाँ पर संस्कृत केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के नाम से विद्यालय जाना जाता है, और उसमें भगवान हमारे बड़े भाई साहब हिंदी के पद पर विभाध्यक्ष हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस क्षेत्र में आकर के। संपूर्ण क्षेत्र जो है देवनगरी है, पूरा क्षेत्र जो है भगवान शिव की भूमि से जाना जाता है। और उत्तराखंड का कण कण भगवान शंकर के नाम से विख्यात है, और उत्तराखंड की देवभूमि में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि मुझे आगे भी ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे शुभ स्थान पर आने का मौका मिले, भाई यही कामना मेरी है अपने भाई से। और बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों भाई आज घूमे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बड़े भाई से। धन्यवाद श्रीमाल जी आपका भी। और जो विस्तृत जो जानकारी थी वो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। अभी हमारे पास कल का दिन है, और हम इस दूसरे क्षेत्र में घूमने जाएंगे, और वहाँ के बारे में जो इतिहास होगा मैं आपको बताऊंगा। और सबसे धन्य तो मैं आपका मानता हूँ, जिन्होंने अपना इतना अमूल्य समय, जबकि मुझे लगता है कि आप ज्योतिष के कर्मकांड है, और आपने ज्योतिष में बहुत अच्छी पकड़ बना रखी, और इसके बाद भी आप, मुझे लगता है कि आप 24 घंटों में हर समय आप व्यस्त रहते हैं, और इतनी व्यस्तता होने के बाद भी आपने अमूल्य समय निकाला है, और आपके अंदर जो ये जो ये वैराग्य है, जो जो ये वो इस प्रकार का जो आपका जो हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे साथ आए हैं, और आपने इतना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर जो समय बिताया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।